स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मोबाइल से मोटो व्लॉग कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या होगा, आपके पास हेलमेट होगा। अराउंड इसकी जो कॉस्ट रहती है वो पड़ेगी आपको 400 to 500। ये 100 रुपये का माइक है और मैंने माइक को कहाँ सेटअप कर रखा है, माइक का सेटअप आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने पूरा। गाइज वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो मोटो व्लॉगिंग, अगर आपके पास एक नॉर्मल बाइक है या स्कूटी है, कोई सा भी व्हीकल हो आपके पास, आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मेरे पास ये हेलमेट है वैसे ही आपके पास हेलमेट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको गोप्रो वगैरह में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप अपने मोबाइल फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो या आप पे गाइस आईफोन हो, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपको अगर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपको गोप्रो ही लेना पड़ेगा, तो भाई बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि देखो मैं भी मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे पास आईफोन है तो भाई मैं उसी से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। क्योंकि अगर आप एक गोप्रो लेने जाओगे ना, अप्रॉक्स आप गोप्रो 9 भी लेने जाओगे, मिनिमम आपको पड़ेगा 40 का, ठीक है, और विद एक्सेसरीज, क्योंकि आपको उसकी बैटरी वगैरह लेनी पड़ती है, क्योंकि गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी डेड होती है। तो अगर आप बैटरी वगैरह एक्सेसरीज वगैरह लोगे तो अराउंड 10 के अप्रॉक्स आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो अप्रॉक्स आपका 50K का, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका आपको क्या बोलते हैं 50K इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि भाई आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो आपका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि आपको पता है हर गली नुक्कड़ में हर कोई भाई 90% बंदे आजकल क्या करते हैं, बाइक निकाल लेते हैं और भाई मुंह पे कैमरा लगाया और चले गए। तो हर कोई आजकल मोटो व्लॉगर बना हुआ है, ये आपको ये पता होगा जब से बहुत सारे मोटो व्लॉगर फेमस हुए हैं। तो भाई इस चीज़ों को मैं तो साफ बोलूँगा कि इतना इन्वेस्टमेंट मत करो। पहली बारी अगर आप बाइक ले रहे हो या मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहा हो, मोबाइल से मोटो व्लॉग कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या होगा, आपके पास हेलमेट होगा, जैसे कि आपको मैं दिखा दूंगा कि भाई मैंने कैसे बनाया अपना सेटअप। तो मेरा सेटअप तो भाई जैसे कि ये रहा, इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देखने के बाद आना इसमें। सो गाइज अभी मेरे पास यहाँ पे ना दो मोबाइल मोटो व्लॉगिंग सेटअप हैं, जैसे कि देख ही पा रहे होंगे आप, एक ये है ठीक है जो मैं यूज़ करता हूँ प्राइमरी, और एक ये है जो मैंने आपको दिखाने के लिए मंगाया था बट, ठीक है गाइज। लेकिन मैंने ये दो क्यों मंगाया उसका रीज़न बताया था। देखो गाइज इनमें ना, देखो दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। ये वाले में ना थोड़ा ही इसकी क्वालिटी उस लेवल की प्रीमियमनेस नहीं है, लेकिन जो मेरी वाली है ना इसकी क्वालिटी रफ एंड टफ है, एंड इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा मोटो व्लॉग्स बनवा भी रखे हैं, मतलब मैं राइडिंग में करने जाता हूँ तो इसमें फ़ोन नहीं गिरता है, लॉन्ग टर्म तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको पूरा मोड़ लो, कुछ भी कर लो, ये वाले की ना क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। बट इसका एक बेनिफिट है कि अगर रील्स बनानी है आप रील्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसका जो यहाँ से लॉक है ना इसकी प्रीमियमनेस नहीं है, प्रीमियम नहीं है उस लेवल का ये, ठीक है। बट मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई जो भी आपको मंगाना है मेरे को। देखो मैं अपने हिसाब से क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, आप मंगा के देख लोगे। और इसका एक फ़ायदा, अगर आप अमेजोन से प्रीपेड करके मंगाओगे तो आप रिटर्न करोगे तो जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको देखने के लिए मंगाया था और इसको मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं आज आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि भाई कि कैसे लगता है, ठीक है। सीधा इसको आप ऐसे लगाओगे अपने हेलमेट में, कोई सा भी हेलमेट हो, ठीक है भाई, हेलमेट कोई सा भी हो, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, एक मिनट गाइस। बस सकते हो, पहले आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो मेरा सेटअप ये बन चुका है, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अब मुझे मैंने लगाना है अपना फ़ोन का मोटो व्लॉगिंग सेटअप, ठीक है। ये मेरा सेटअप बन के तैयार है, अब मैं इसमें मोबाइल भी रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मुझे इधर की साइड से व्लॉग बनाना है, ऐसे बनाना है, कैसे भी, मतलब प्रॉपर एक व्लॉग बन के तैयार हो जाएगा अगर मैं व्लॉग बनाऊँगा तो। और इसमें कोई सा भी डिवाइस आराम से एडजस्ट हो जाएगा। सो गाइस जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, तो सबसे पहले तो आपको भाई ये चाहिए हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए हेलमेट, क्लोज लो इसको भाई, तो ये चाहिए हमारा अटैचमेंट वाला, ठीक है। और इसमें रहता है एक स्क्रू, इससे आपका आप यहाँ पे मोबाइल भी लगा सकते हो। और अगर आप स्क्रू को निकालोगे, अगर आप पे गोप्रो है भाई, मैं तो बोलूँगा नहीं कि पहले आप गोप्रो लो, अगर आप पे गोप्रो पहले से ही है तो फिर आप इस नट को हटा के यहाँ पे गोप्रो को भी सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आपका माइक कितने रुपये तक का आएगा, देखो जो ये हमारा माउंट होता है ना, ये हेलमेट माउंट जो आता है, ये अराउंड इसकी जो कॉस्ट रहती है वो पड़ेगी आपको 400 to 500 मैक्सिमम, उससे ऊपर का नहीं पड़ेगा, आराम से आपको इतना आराम से मिल जाएगा। उसके बाद करें माइक की बात, तो भाई देखो जो मेरा माइक है ना, ये 100 रुपये का माइक है और मैंने माइक को कहाँ सेटअप कर रखा है, माइक का सेटअप आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने पूरा माइक का सेटअप अपने हेलमेट के अंदर कर रखा है, और इसके जो लॉक्स होते हैं ना, लॉक्स लगा के मैंने इसको बंद कर रखा है ताकि इसमें विंड नॉइज़ ना आए, क्योंकि विंड नॉइज़ का काफ़ी दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि भाई इसका व्यू कैसा दिखता है, तो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन को लगाता हूँ इस पर, दिखाता हूँ कि भाई व्यू कैसा आता है हमारा और कैसा हमारा फ़ोन दिखता है। सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ये है मेरा अभी ये सेटअप है जो मैंने फ़ोन से लगा रखा है, फ़ोन का सेटअप है, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया मुझे तो लग रहा है भाई इसमें, क्योंकि देखो व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा नहीं करना चाहिए। तो भाई जो ये माउंट का सेटअप है पूरा प्रॉपर आपको बताता हूँ कि मेरा अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 500 to 600 का पड़ा है, क्योंकि जो मेरा माउंट है
जो मैंने लगाया है चिन माउंट वो 400 या 450 के अराउंड का पड़ा है। उसके बाद माइक की बात करें, 100 rupees का मेरा माइक है, नॉर्मल माइक लगा रखा है। 100 rupees वाला माइक में क्या होता है, जो उसका माइक होता है ना छोटा होता है, तो उससे वो क्या करता है ज़्यादा बाहर की नॉइज़ को कैच नहीं करता है, वो अंदर की नॉइज़ को ही रखता है, ठीक है। तो आपकी जो विंड नॉइज़ आती है या बाहर की नॉइज़ आती है वो नहीं आती, तो काफ़ी अच्छा सीन है। तो गाइस ये मतलब मेरा काइंड ऑफ बोल सकते हो सेटअप है। और ये देखो लुक देख लो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको, और व्यू भी मुझे लगता है ठीक आ रहा होगा। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, और अभी जैसे आप मोबाइल से मोटो व्लॉग करोगे तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि भाई अभी आपको पूरा एंगल देखना पड़ेगा किस एंगल पर सही आ रहा है, और आपको कितनी मतलब आपको अपना ना एक प्रकार से बोल सकते हो डेसिबल मतलब तेज बोलना है हल्के बोलना है, ये आप एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉपर पूरा आ जाएगा, क्योंकि भाई कितने डेसिबल में कितनी आवाज़ आपकी सही आ रही है। क्योंकि क्या होता है कई बार वाइब्रेशन भी आ जाती है, क्योंकि आप सांस ले रहे हो, सांस भी आ सकती है आपके माइक में, तो आपको थोड़ा देख के बोलना है। ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो हल्की सी आपकी जो आवाज़ें फट सकती है, और हल्के बोलोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो मीडियम बोलोगे, जैसे मैं बोलता हूँ मीडियम बोलता हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी नॉइज़ आती है। तो गाइस यही था वीडियो में, और मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, वीडियो पसंद तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए एफर्ट डाला है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।